Hello everybody, so today we talk about keep the practicalize of writing mind. कैसे आपको एक शॉर्ट फिल्म बनानी है, कैसे आपको एक स्टोरी बनानी है, कैसे आप एक स्टोरी दिखानी है, कैसे आप एक स्टोरी लिखनी है, उसको कैसे दिखा सकते हो, कैसे विजुलाइज करा सकते हो उसके लिए. ये कोई ऐसे मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ कि इसे ऐसे कैमरे का सेटिंग करिए, ऐसे स्टोरी टेलिंग करिए. कैसे स्टोरी टेलिंग करिए उसके लिए मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है कैसे स्टोरी टेलिंग करनी है. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कैसे आप एक प्रैक्टिकल बना सकते हो, कैसे आप एक प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकते हो. ये डीपली कन्वर्सेशन है, इस टाइप का वीडियो काफ़ी सारा नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि इस टाइप का वीडियो दिखाने के लिए काफ़ी सब विजुअलाइज क्लासेस होते हैं. ज्यादा तक इंडिया में कम है क्लासेस. सो मैंने ऑनलाइन सीखा हुआ है. सो आई होप कि ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा है तो आपको एक पता चलेगा, आपको एक रास्ता दिखाएगा, आपको एक डायरेक्शन दिखेगा कि किस टाइप से आप एक शॉर्ट फिल्म बना सकते हो, किस टाइप से बनानी है. इसके लिए ना ही कोई आपका टाइम वेस्ट होगा, ना ही कोई पैसा बर्बाद होगा. इज अ टाइम इज मनी. ज्यादा तक लोगों का इसी चीज नए पता होने के कारण उसका टाइम जाता है, उसका पैसा भी बर्बाद होता है, एंड देन उसका आउटपुट इतना खास नहीं होता या देखने लायक नहीं होता. जस्ट शॉर्ट फिल्म कैसे बनानी है. सो सबसे एक प्रैक्टिकल शॉर्ट कंटेंट बनाइए, क्योंकि शॉर्ट फिल्म इज अ शॉर्ट फिल्म, छोटी फिल्म, छोटा कॉन्टेंट बनाइए, छोटा विजुलाइज करिए, छोटा स्टोरी टेलिंग करिए, एक बजट में बनाइए. पूरी चैनल एक बिगिनर के आधारित है, इसलिए मैं इसमें ऐसी कोई चीज बात नहीं करूंगा जो आपको बड़ा कैमरे से शूट की जाती हो एंड देन एक शॉर्ट फिल्म का कॉस्टिंग ही 1 करोड़ रुपया ना. ऐसे कोई मैं से भी कौन से भी एक शॉर्ट फिल्म बना सकता हूँ उसके लिए मैंने पूरी एक डीपली कन्वर्सेशन वाली की, क्योंकि ये सारा चैनल एक बिगिनर के लिए सपोर्ट के लिए है. तो उसी टाइप से एक छोटा कॉन्टेंट बनाइए, छोटा शॉर्ट फिल्म बनाइए, छोटा विजुलाइज करिए, छोटा स्टोरी टेलिंग करिए, कि वो इजी रहता है, उसको जज करने में इजी रहता है. अच्छा सा विजुअलाइज करते हैं, अच्छा सा आप एक जज कर पाते, ठीक है. तो शॉर्ट कंटेंट बनाइए एंड देन मेक अ सिनेमेटिक शॉर्ट. सो इसके लिए मैंने अलग वीडियो में बात भी कर रही थी, उसमें आप एक लाइव शूटिंग करिए नहीं, अभी आप एक सिनेमेटिक शॉर्ट बनाइए. वो भी कैसा, आप बोल रहे हो कि बजट में बनाए ना सिनेमेटिक शॉर्ट का सामना, नहीं, स्टील शॉर्ट लेना है, स्टील शॉर्ट सिर्फ ट्राईपॉड पे, जैसे का हाल फिलहाल ए रोल जो टॉप हो रही है, आपको मैं स्विच दे रहा हूँ, स्टील शॉट कैमरा लगा हुआ है इस पे ट्राईपॉड पे, सिर्फ आमने सामने स्टील शॉट, और मैं ऐसे बैठ गया ऐसे स्टील शॉट स्पीचिंग, सामने वाले का स्पीचिंग, मेरा स्पीच, मैं स्पीच दे रहा हूँ, सामने वाले का स्पीच दे रहा, पहले मेरा स्पीच रिकॉर्ड करिए, सामने वाले का स्पीच रिकॉर्ड करिए, दो कैमरे से रिकॉर्ड करिए, दो फोन है तो दो फोन से रिकॉर्ड करिए. इसके लाइफ जस्ट अ सिनेमेटिक शॉट. जेक कैसिनेस्टी आपने देखा होगा, यूट्यूब का यूट्यूबर है, व्लॉगर है, उसका सिर्फ सिनेमेटिक शॉट आता है, स्टिल शॉट है, क्योंकि वो खुद अकेला बंदा पूरा व्लॉग शूट करता है. तो इसके लिए उसको एक स्टिल कैमरा चाहिए जो रख देता है, उसके सामने वो प्रेजेंट करता है, उसके सामने सिनेमेटिक शॉट आता है, एंड देन अपने पूरी सिर्फ कट टू बीट, ना ही कोई मूवमेंट लेनी, ना ही पैनिंग करना है, ना ही अपर, ना ही लोअर, ना ही डीपर, ना ही गिम्बल वाला सा, नहीं, सिर्फ स्टिल शॉट एंड देन सिनेमेटिक, इट्स ओवर. थर्ड रूल आपको पता होगा सबको, ये थर्ड रूल यहाँ से कॉर्नर में, थर्ड रूल, रूल ऑफ थर्ड. इसी टाइप का कोई भी सब्जेक्ट रखकर आप एक स्टिल शॉट ले लीजिए, इसी टाइप के स्टिल शॉट लेते 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 मच करके उसको एडिटिंग में रख दो, उसके नीचे वॉइस ओवर कर ले, आपकी शॉर्ट फिल्म तैयार. इट्स ईजी. सोचने बैठोगे काफ़ी कुछ सोचने का है, सोचना नहीं, फर्स्ट स्टेप है तुरंत लेना है स्टिल शॉट, मेक इट विजुअलाइज, और 3 सेकंड से ज़्यादा शॉट नहीं लेना. इसके पहले के मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियो में बनाए, जस्ट गोल्डन रूल है, 3 सेकंड से ज़्यादा शॉट में लीजिए, क्योंकि शॉर्ट फिल्म आगे चलाने के लिए, अब पूरी शॉर्ट फिल्म स्टार्टिंग से छल्ले तक देख लेंगे, अगर जो 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई है तो पहले से छल्ले तक व्यूअर को टकाने के लिए, एंगेजिंग बढ़ाने के लिए, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, वो सब आप शॉर्ट फिल्म में कर लें. शॉर्टिंग शॉर्ट जो ले रहे हो सिनेमिक शॉर्ट, 3 सेकंड से ज़्यादा मत लीजिए, एक एंगेजिंग बढ़ता है, देखने को एक विजुलाइज मिलता है, हर मोमेंट पे, हर स्टेप पे एक नया शॉट. मेहनत ज़्यादा लगेगी, आई नो दैट, क्योंकि वही है जो मेहनत ज़्यादा होती है वो देखने में मज़ा आती है, तो तभी उसकी मेहनत ज़्यादा होती है. ये कंपटीशन का ज़माना है, अब लंबे शॉट नहीं चलते है. माना कि ऑस्कर में काफ़ी सारे ऐसे ऑस्कर मूवी में लंबे लंबे 1 मिनट के शॉट, उसका विजुअलाइज अलग होता है, पूरी कहानी अलग होती है. अब तन से दिल्ली के बैठो,
आप 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाओगे, आपको कोई जानता नहीं। ये सारी मैंने पहले भी बोला, ये सारी बिगनर के लिए, अगर आप एक 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाओगे आपको कोई जानता नहीं, यूट्यूब पे रखोगे कौन देखेगा, कोई चैनल पे बेचोगे कौन देखेगा, इस तब देखेगा कि जब आप कंटिन्यू आप शॉर्ट चेंज हो गए, कट बीट वाला चेंज होगा, वॉइस ओवर अच्छा होगा, विजुलाइज अच्छा होगा, स्टोरी टेलिंग अच्छी होगी। एक सस्पेंस क्रिएट करना है शॉर्ट फिल्म में, एक सस्पेंस क्रिएट करना है, लास्ट मोमेंट पे दिखाना है, लास्ट मोमेंट पे। काफ़ी सारे ऐसे मूवी गई है, एक 5 मिनट के शॉर्ट में इतना तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो, ईजी है। कैसे एक स्टोरी सोचनी है, कैसे स्टोरी लिखनी है, कैसे उसका प्लॉट डिसाइड होता है, क्या लिखना क्या है स्टोरी में, क्या लिखना है, क्राइम हॉरर कॉमेडी क्या लिखना क्या है, एक मैसेज क्रिएट करना है कैसे क्रिएट करोगे, उसके लिए कन्फ्यूज हो तो ये मेरा वीडियो है। इसका आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करेगा कि आपको एक स्टोरी टेलिंग की शुरुआत कैसे करनी है, कैसे आपको एक स्टोरी दिखानी है, कैसे उसका प्लॉट डिसाइड करना है, कैसे उसका हैंडल डिसाइड करना है, कैसे क्लाइमेक्स डिसाइड करना है, कैसे उसका सस्पेंस क्रिएट करना है, तो उसके लिए ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, पूरा लास्ट तक। आई होप यू विल बी लाइक फॉर दिस वीडियो। तो आगे भी मैंने ऐसे काफ़ी स्टोरी टेलिंग वाले वीडियो बनाए, तो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इसी टाइप से कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी शॉर्ट फिल्म बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आई होप कि इंशाल्लाह मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली बात है मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट फिल्म बनाई हुए हैं, तो आपका टाइम बर्बाद ना हो, आपका पैसा बर्बाद ना हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम करके भी आप पूछ सकते हो ना, इंस्टाग्राम में आपको कोशिश करूँगा कि आपको एक डायरेक्शन देख सकूँ जो मेरे थ्रू हो, जो मेरे को पता हो। और ये सब कुछ एक बजट शॉर्ट फिल्म के लिए, एक बिगिनर के लिए है। तो कैसे स्टोरी टेलिंग करनी है, तो चेकआउट फॉर माई वीडियो, एंड आई होप यू विल बी लाइक दिस वीडियो। सो मिलती है इस टाइप से नेक्स्ट वीडियो।